अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए ऐसे क्या स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी सीखते दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी कॉन्सेप्ट क्या समझाता हूं। अभी हमको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है लेकिन किसकी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। देखिए एग्जांपल देके बताता हूं। अगर ऐसा है देखना कॉन्सेप्ट स्लिप हो सकता है इसमें ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट स्लिप हो सकता है इसमें ध्यान से देखना। ऐसा एक स्ट्रक्चर है और इसका मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। राइट अभी ये देखो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अभी हमको क्वेश्चन आता है इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। यानी एक ही मॉलिक्यूल के हम लोग अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके कितने बनेंगे? पांच। पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसमें से हमको क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसे मैंने लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। समझ में आ रहा है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कौन से फैक्टर पे डिसाइड होती है वो हमको देखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कौन से फैक्टर पे डिसाइड होती है वो हमको देखना है। समझ में आ रहा है? तो पहला फैक्टर है ये देखो न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल। थोड़ा देखना ध्यान से, बात स्लिप हो सकती है, फिर से बताओ स्लिप हो सकती है, फिर रोएंगे बाद में। न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल ना? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे, थोड़ा सा बात स्लिप हो सकती है, थोड़ा समझे ध्यान से, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज्ड आरएस। राइट, न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज आरएस। एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अगर ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। राइट, अब इसका मैं आरएस बनाता हूं। ये एक आरएस ही है, मैंने बोला जो ड्रॉ करता हूं आरएस ही रहता है। देखो दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो आरएस हियर ना। देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे कौन सा आएगा? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो दिस इज न्यूट्रल आरएस, इस पे कोई चार्ज नहीं, ये एक्चुअल में न्यूट्रल ही है टोटल, लेकिन चार्ज बना है ना इस कार्बन प्लस इस कार्बन पे माइनस, थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी है, इसलिए स्टेबल कौन रहेगा? फर्स्ट। समझ में आ रही है? पहला रूल समझ में आया, न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज आरएस। क्लियर? दूसरा, आरएस हैविंग चिंता ना करें, आरएस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, आरएस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएस हैविंग less number of covalent bonds. Covalent bonds. समझाता हूँ मैं क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल, देखिए समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं ऐसे लेता हूँ सिंपल ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 3 4 5 6
सात आठ नौ दस एंड ग्यारह दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें संख्या कम है ना, मल्टीप्लाई ज्यादा से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चार्ज की वजह से भी अनस्टेबल है और कोवलेंट बॉन्ड्स कम है इसलिए भी क्या हो गया अनस्टेबल। तीसरा आरएस इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स आरएस इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम इज कंप्लीट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू आरएस In which octet of all atom is not complete। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल लैंग्वेज हो गई। मैं आपको हाई फाई पढ़ाने से सिंपल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एक ऐसा जिसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, वो ज्यादा स्टेबल है सर। यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कितना आता है हमको है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करता है इस कार्बन के, एक दो तीन चार आठ ऑक्टेट कंप्लीट इस कार्बन काउंट करते हैं, एक दो तीन चार ऑक्टेट कंप्लीट इस कार्बन के, एक दो तीन चार ऑक्टेट कंप्लीट, एक दो तीन चार ऑक्टेट कंप्लीट, कितने दो, एक दो तीन चार ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इधर देखिए, एक दो तीन और एक प्लस ना, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स है छह, अल्टीमेटली इसकी ऑक्टेट इनकंप्लीट है, ये क्या रहेगा अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है? तो आरएस इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम इज कंप्लीट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएस इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम इज नॉट कंप्लीट। सिंपल है? बात चलो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे रूल्स बनते हैं, लेकिन मैंने कुछ कुछ बोल्ड रूल्स उठाए जिससे आप लोग काम चला सकते हैं। आपको सिंगल में मिलेगा ये टॉपिक, बस बाकी बुक्स वालों ने ज्यादा मेहनत नहीं की उसके, ठीक है? तो आपको सिंगेज में ही मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट ये है, आरएस इन विच, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी, बोलो, should be on electro positive atom, positive atom। अभी मैं आगे लिखूंगा नहीं, इसलिए बोलूंगा। अगर इसका विपरीत होता है तो आरएस अनस्टेबल होता है, यानी कैसा आरएस जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल। ये कैसा आरएस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, तो भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल। उसका एग्जांपल आप लोग लेते हैं, तो प्लीज इसको लिख लो, ये रूल लिख लिया, और एक रूल देखिए, रूल ये है लाइक चार्जेस, बात नहीं है अभी देखना, आरएस हैविंग लाइक चार्जेस on adjacent atoms are unstable। सपोज कोई आरएस ऐसा बना है ऐसा, और इसमें लाइक चार्जेस ऐसे एडजेसेंट एटम, तो मेरे रिपल्शन होगा ना, दैट इज आपका अनस्टेबल। आरएस हैविंग लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स आर अनस्टेबल। बाकी जो रूल है हम लोग एग्जांपल आएगा तो वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। आखिरी का रूल लिखो, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं। तो हम लोगों ने रेजोनेंस को स्टार्ट किया था, रेजोनेंस क्या होता है ये देखा, और रेजोनेंस अलग अलग सिस्टम्स में कैसे होता है वो हमने देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एक पॉइंट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, राइट, यानी
हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उन रेजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सा रेजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, वो हमको सीखना है। और स्टेबिलिटी ऑफ आरएस बताने के लिए हमने कुछ रूल्स देखे थे। पहला न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। सॉरी, न्यूट्रल आरएस इज ऑलवेज स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज आरएस। और ये था दूसरा, हमने देखा था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इट शुड कंटेन मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है? यानी एक ऐसा आरएस जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वह स्टेबल होगा, उस आरएस की तुलना में जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या उसी का दूसरा स्टेटमेंट निकल के आता है, एक ऐसा आरएस जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स है वह स्टेबल होगा ऐसे आरएस की तुलना में जिसमें कम कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ये देखा ना? तीसरा, हाँ, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। हमने देखा था ना, यानी जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है दे कैन टॉलरेट नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है दे कैन टॉलरेट पॉजिटिव चार्ज, अगर उल्टा हो गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। चौथा ये था कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स Atoms are highly unstable, है ना? Are highly unstable. क्योंकि उनमें ज़्यादा क्या होगा? है ना? उनमें लाइक में ज़्यादा इंपल्स होगा। हाँ, highly unstable. मैं देख रहा था आप लोगों को ध्याने के लिए। Highly unstable. Okay? और पांचवा एक रूल है, एक पांचवा रूल ऐसा है कि more charge separation, more stability. More charge separation, more stability. More stability. मैंने बॉडी में रूल बताया नहीं था ये। जो भी हो, लेकिन देखिए, तो more charge separation, more stability. यानी less charge separation, less stability. समझ में आ रहा है? More charge separation, more stability. समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारे रूल्स हैं, अलग-अलग बुक्स, अलग-अलग रूल्स, नंबर ऑफ रूल्स बनाते हैं, कुछ बुक्स 12 रूल्स बनाते हैं, कुछ बुक्स 13 बनाते हैं, कुछ बुक 15 बनाते हैं, कुछ बुक 5 बनाते हैं, कुछ बुक 5 बनाते हैं, कुछ बुक 3 बनाते हैं। तो जो मुझे सही लगता है उनको आपके सामने रखा है। अल्टीमेटली वी विल सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग दिस रूल्स, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सपोज मैं ना फिनॉल का रेजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। फिनॉल, फिनॉल मतलब होता है बेंजीन पे OH लगा हुआ, राइट? और यहां पे रेजोनेंस होगा, तो मैं इसके रेजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं ऐसा। देखते रहना, अभी आरएस कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, ये आपको मालूम है। बस अभी आपको दिखाना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम। एक पहला रेजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर, बस देखते रहिएगा, आपको अपने आप रूल समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से रूल समझ में आते हैं। मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, पेशेंस रखना होगा आपको। याद रखना, ये लोन पे डिलोकलाइज हो गया, एक लोन पे, बाकी इसके लोन पे मैं हमेशा दिखा रहा हूं, ठीक है? देखते रहिएगा बस, और फिर से यहां पे जाएगा ये, और भैया इसको यहां पे आयो। सबको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते होंगे अभी। वॉच, अब देखो फिर से लोन पे मिल गया इसको, इसके लोन पे बाकी बताना है। समझ में आ रहा है क्या? और देखो ये बन गया, राइट? तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने? 5, 1 2 3 4 5। तो हमको दिखाना है कि कौन से रेजोल्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। जैसे देखेंगे न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल रहते हैं, तो फर्स्ट इज इक्वल टू फिफ्थ, यानी दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, दोनों सेम, बस नंबर बॉन्ड्स उल्टे पलटे हो गए। देन देखिए, मैंने एक रूल बोला, मोर चार्ज सेपरेशन मोर का मोर हो गया, मोर चार्ज सेपरेशन लेस स्टेबिलिटी। यहां पे देखिएगा, ज्यादा चार्ज सेपरेशन हुआ प्लस और माइनस में, यहाँ पे कम चार्ज सेपरेशन हुआ ना, तो अल्टीमेटली ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितने ज्यादा सेपरेट होंगे उतनी क्या बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी।
ठीक है, उतनी क्या पड़ेगी समझ में आ रहा है ना, पॉलिटिकली दिस विल बी मोर स्टेबल, ये दोनों सेम होंगे ना, हां 2 इज इक्वल टू 4 अंत में कौन आएगा 3 बात समझ में आ रहा है, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो मैं इसे लिख सकता हूं स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस राइट। अभी आपने बोला कि हर एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करेंगे 1 एंड 5, तो ज्यादा स्टेबल होते हो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे कम कौन 2 एंड 4 और सबसे कम कौन 3, तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन होंगे 1 एंड 5 और माइनर कंट्रीब्यूटर्स 3, समझ में आ रहा है, तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा किस लिए दिखेगा 1 एंड 5 के जैसे, समझ में आ रहा है, और कम किस लिए दिखेगा 3 के जैसे, बात समझ में, किसी को दिक्कत इसमें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो गाइस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने का रूल ये है, न्यूट्रल आरएस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर आरएस, उसके बाद जिसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है या जिसमें मोर ज्यादा ज्यादा कोवलेंट से वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इस तरह लाइक चार्जेस एडिशन पे रिपेल करेंगे एंड जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगी स्टेबिलिटी, समझ में आ रहा है, तो मोर चार्ज सेपरेशन बातें नहीं, एग्जांपल्स मेरे साथ लिखते चलिएगा, तो ये 1-3 ब्यूटानाइन के रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4 दिख रहा है ना, तो 1, 3 ब्यूटाडाइन इसके आर एस डाइन, 2, 3, 4 एंड 5 तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल विल बी मोस्ट स्टेबल फर्स्ट, ओके। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा वेट, सब में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, देखो सब में इसको छोड़ के इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है टेस्ट ये बनेगा, बाकी सब में देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है सेम, अभी हमको चार्ज सेपरेशन भी दिखाना पड़ देखना पड़ेगा, चेक किया यहां पे चार्ज सेपरेशन कम है टेस्ट टेबल रहेगा सेम, 3 पे समझ में आ रहा है ना, कम है तो क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, अल्टीमेटली 2 = 3 = 5 बोले क्या बोले, तो मैंने बोला लाइक चार्जेस अगर से एडजस्टिंग आइटम पे आ जाए अगर प्लस प्लस होता दैट इज हाईली अनस्टेबल वाला केस, अपोजिट चार्जेस नजदीक आ गए तो ज्यादा क्या बढ़ जाती है स्टेबिलिटी, 2 = 3 and 4 = 5 ठीक है, चलो रूल्स मन से आ रहा है क्या, न्यूट्रल ऑक्टेट ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस ज्यादा अनस्टेबिलिटी जितने ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, मैं इसे ड्रॉ करिएगा, तो इसमें बता इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला फर्स्ट ये भी न्यूट्रल है ना, तो मैं ऐसे करता था फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, इन दोनों में बताओ फर्स्ट इज न्यूट्रल गाइस, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन मतलब का सेकंड, समझ में आ रहा है न्यूट्रल का केस, ठीक लेके आते हैं, लेट अस गो विद
एनिलीन, मेरे साथ लिखने काम करते रहना। बातें क्यों हो रही पीछे? देखिएगा हमको इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ आर न्यूट्रल, दे विल बी स्टेबल, फर्स्ट इक्वल टू 5, उसके बाद चार सेपरेशन देखना पड़ेगा। देखिए यहां पे ज्यादा चार सेपरेशन है, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी, यहां पे कम सेपरेशन, यहां पे कम सेपरेशन ना, 2 इज इक्वल टू 4, और ये और सब समझ आ रहा है? तो ज्यादा करके आपका रेजोनेंस रेजोनेटिंग हाइब्रिड किस से दिखेगा, 1 एंड 5, मेजर कंट्रीब्यूटर माइनर कंट्रीब्यूटर, समझ आ रहा है? What is resonance energy? The difference of energy between RS having lowest energy and resonance having is called as resonance energy. तो यहाँ पे देखो सबसे कम energy किसकी होगी? 1 and 5 की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 3 की ना, कि ज़्यादा stable तो energy कम। What is resonance energy? Energy of 1 या 5 minus energy of resonance having. समझ में आ रहा है? हाँ, ये concept है। मन में लिख लेना, आपने मन में मतलब लिख लेना बुक में, मैं तब तक खुद से बनाता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन, मेरे साथ लिख के चलिएगा। समझा दिया उसको?
करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर प्लीज न्यूट्रल है फर्स्ट. अब इसके बाद हमको देखना है चार सेपरेशन. चार सेपरेशन पहले नंबर ऑफ पोल एंड बॉन्ड देख ले. एक दो तीन चार पांच. एक दो तीन चार. एक दो तीन चार ऑब्वियसली स्टेबल रहेगा. जीत गया तो अब इन दोनों में देखना है ना. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. दिस विल बी मोस्ट स्टेबल एसेंशियल ही है. थर्ड बोलो क्या आपका क्लियर हुआ. हां नो नीड टू ड्रॉ रेजोनेंट स्ट्रक्चर. उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं. हमको बस कंपेयर करना है. अभी एग्जैक्टली करेक्ट रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं ना. ये अनस्टेबल है मतलब ये कभी बनेगा ही नहीं. कौन सा फोर्थ वाला. हां समझ आ रहा है. ये थर्ड है बोलो तो फोर्थ वाला कभी बनेगा ही लेकिन हमें बनाया है. समझ आ रहा है. कभी बनेगा लेकिन हमने क्या बनाया. कैसे बनाया उसको ऐसा है इसको ऐसे कर लिया. ऐसे कर लिया क्या हो जाएगा HC ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा. हां ये बस हो गया. ठीक है इसमें माइनस आ जाएगा ना. ऐसे बनाए हुए बस हमने. ठीक है ना हमको सिर्फ कंपेयर करना है. चलो गलती कर दी थी कॉपी. Which one is more stable? No. Second. पहले आपको number of double number of bonds देखने. यहाँ पे केवल तीन हैं. एक दो तीन चार. ये हो सकता है. दूसरा देखो यहाँ पे कार्बन का octet पूरा नहीं है. लेकिन यहाँ पे सब octet पूरा है. एक ये एक हाँ. दो तीन चार आठ. इधर एक दो तीन चार आठ. लेकिन इसका octet पूरा नहीं हो ना. हमने देखा चार्जेस से पहले इसको देखना है ऑक्टेट को. तो हम गलती करते थे ऑक्सीजन प्लस है अनस्टेबल है. नहीं चार्जेस से पहले इसको देखना है ऑक्टेट को. दिस विल बी मोर स्टेबल. सेकंड विल बी मोर स्टेबल है बस. समझ में आया. और देखो अभी ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना. ये फिर भी बनाया. कैसे बनाया होगा. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घुमा के. समझ में आ रहा है ना. तो सिर्फ आपको स्टेबिलिटी बतानी. ड्रॉ करना तो मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी. अगर ड्रॉ करना है आप सीधे तरीके से ड्रॉ करना शुरू कर देगा. सिर्फ आपको क्या रखना है. पहले न्यूट्रल से बढ़ेगा देन ऑक्टेट या नंबर ऑफ पोल एंड बॉन्ड्स को काउंट करो. देन इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है नेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव. एडजेसन बॉन्ड्स पे अगर लाइक चार्ज आएगा हाईली अनस्टेबल. और जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी. सिंपल है ना. तो लेकिन पहले क्या करना है न्यूट्रल ऑक्टेट या नंबर ऑफ पोल एंड बॉन्ड दोनों सेम है. ऑक्टेट नंबर ऑफ पोल एंड दोनों सेम ही है. ऐसा कुछ नहीं का मेरी एग्जांपल्स करो. कहीं से भी एग्जांपल उठाओ मिलेंगे नहीं तुमको एग्जांपल्स. क्योंकि ये टॉपिक इतना एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया था. एक दो तीन चार पांच
देखो कार्बन पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ये केमिस्ट्री बहुत साइलेंट है, मुझे अभी सब चेकआउट करने में समय लग रहा है, फिर एग्जाम एक्सप्लेनेशन तो एक मिनट में हो रहा है, साइलेंट चल रहा है, साइलेंट में बड़बड़ बहुत ज्यादा होती है, बातें बहुत होती है, एकदम गप्पे लड़ते हैं एकदम ऐसे। कुछ लोग भी मैं किस्सा सुना था तुझे, जब तू स्ट्रक्चर लिखते था तब मैं तुझे किस्सा सुना था, ऐसे चलता हूँ। Yes, which will be more stable? अगर ये सही कर लिया तो समझना मेरा पढ़ाना सफल हुआ, अगर ये रॉन्ग हो गया समझना फिर कुछ फायदा नहीं हुआ इतना पढ़ाने में। याद होगा सबको, हाँ सिंपल। देखो फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के पास।